पवित्रा पढ़ांगे। प्रभु दा आत्मा सुबह अज मैं मॉर्निंग च जो उठाया मैनू प्रभु की आवाज आई लूका 18 पिछले जो बुधवार का वचन किन्ने लोगों याद है पिछले बुधवार जो आप वचन सीख के गए हाँ किन्ने मैं क्या लोगों याद है एक ब्रदर याद है और कोई बिल्कुल मेरे जीजो जी यही खुदा के कामों के नगेली करांगे ना तो प्रॉब्लम होएगी क्योंकि तुहानू पता आप कई बार सिलेमान दी कहावतां पढ़ते हैं ज़्यादा देखा लगा थोड़ा नॉर्मल बाइबल च लिखा मूर्खां की लापरवाही उन्हां दा नाश करेगी तो पोले फिर जान करके मारेगी ये प्रभु ने कहा जेड़ा मेरी सुनदा सुख नाल की करेगा हुण जिन्हां ने अज वचन नूं सुनिया पास्टर पाल की किड्डी तगड़ी चेतावनी आ चुकी है विश्वास कर दे तां होएगा विश्वास कर दे मेरे डैडी की डैथ होने तो पहला पहला प्रभु ने मैनू फोटो विखाती भी आह फोटो लग गई कंध दे नाल क्योंकि मेरे जीजो जिहड़ा खुदा दे गिफ्टिड लोग है ना जिहड़े अनॉइंटेड लोग आ खुदा हमेशा उन्हां नूं मैं ये नहीं कहिंदा कि मैं बड़ा अनॉइंटेड आ दूजे नहीं अनॉइंटेड ये पलूस की कहिंदा आंदा तुसीं करनी आ तो नहीं ये किरपा दे नाल सारा कुछ ये नहीं मैं 40 वर्त रख के प्रभु दी मसा च आया नहीं पलूस की कहता आंदा जे करनी ही तो फिर किरपा से किरपा ना ही रही क्योंकि ठीक है पैदा मैंने इन्हीं को प्रेयर करनी बंद कर देनी जां रोजे रखने बंद कर देने आप अपनी दौड़ जी सबर दे नाल की करनी है सबर दे नाल क्योंकि जो असीं 12 इब्रानियों नूं पढ़ते हैं उत्ते की लिखा आंदा जदों एडे वड्डे गवाहां दे बदल ने तुहानूं घेरिया होया है हाँ जी कहिंदा उस पाप नूं छड के जिहड़ा सहज नाल सानूं पसा किए कहिंदा उस पाप नूं छड दो जिहड़ा सहज नाल पसा लिंदा आंदा उस दौड़ विच दौड़ो जिहड़ी तुहाडे सामने पई आ तां दौड़ना कहिंदा सबर तुसीं अज वेखो कि पास्टर भविष्य बाणी करी जांदा पास्टर इहदे बारे दसी जांदा उहदे बारे प्रभु मैनूं भी जल्दी जल्दी कर ऐदां नहीं ऐदां कुछ नहीं हुंदा क्योंकि जिन्ना चिर ताड़े वेखो तुसीं प्रभु अज देखो बड़े लोग आ की आवाज़ आ रही कई सोचते यार जे मैं प्रभु दे घर च देता तो मेरा अपना कितना होएगा मेरे घर का गुजारा कितना चलेगा परमेश्वर की ताई तो कहता तू दे ना फिर मैं डबल करांगा यार मेरे चल गए अपने को तो यार मैं कितना गुजारा करांगा तो ये आप सोचो जे तुसीं प्रभु दे प्रभु नूं ना दोगे तो प्रभु तुहानूं कितना देगा सब तो पहले समा प्रभु नूं देना दूसरा नंबर पहले नंबर से जीवन प्रभु नूं देना अज किन्ने लोग जिहड़े बगैर टिकट ते चल रहे कोई प्रभु दे नाल समा ही नहीं कोई जीवन ही नहीं अज तक खुदा नूं दिता पूरी जिंदगी इदां इन्हां दी निकल चली है सब तो पहला तुसीं जीवन अपने प्रभु नूं देना अज दा जिहड़ा मेरा मैसेज शुरू हो रहा लूका दे विचों इह तुहानूं दसेगा कि किन्ने भैन भरा जिहड़े रात दिन प्रभु दे अगे दुहाइयां दिंदे ने खुदा इक दिन जरूर उन्हां दी की करेगा प्रभु सुत्ता थोड़ी है बाइबल च लिखा प्रभु वादे का मठा नहीं आ अज किन्ने जिहड़े मठे का भरम की है कर दे जो दूसरा पत्रस उहदे तीन बाब दी 9 आयत आपां पढ़दे आंदा किन्ने लोग जिहड़े मठे का भरम करदे आ यार मैं किन्ने चिर दे रोजे रखणे आ यार मैं किन्ने चिर दा चर्च जाणा प्रभु क्यों नहीं कर रहा गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम उहदी की करनी उडीक करनी अब्राहम का 24 साल सी 25 साल जाके खुदा ने उहनूं ब्लैस किया इसाक 20 साल चलिया प्रभु दे नाल क्योंकि 40 साल का जो दी मैरिज हुई आ 40 साल तो बाद 20 साल कोई बेबी नहीं पर उन्हें कदी परमेश्वर नूं कदी क्या ही उन्हें जाने बाबा चेंज किया जाने पास्टर चेंज किया गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम ठीक है असी किन्ने चिर तो जगह लेंदे फिरदे यार इधर ले लीए यार इधर लईए यार उधर लईए खुदा दी कॉलिंग नहीं आउंदी प्रभु दी आवाज़ ही नहीं आउंदी मैं कहना आवाज़ ते आउण नहीं डई ये हुण की डिया है जितने मैनूं जगह मिलनी दो दिन पहले मैं प्रेयर कर रहा प्रभु ने कहा मैं तेनूं जगह देने वास्ते यार मैं कहा पैसे तो है नहीं जगह कितों देन लगे जी पैसे तो मैं कोल ही नहीं है मेरे वो जिहड़े पैसे है सारे डैडी के उपर लग गए मेरे को तो हुण है ही कुछ नहीं भाई जगह कितों मिलनी पर परमेश्वर द्वारा कोई भी काम असंभव बाइबल च लिखा मनुखां दे कोलों जो अनहोणा वा प्रभु सब कुछ कर किए ताली मारनी आउंदी आपां नूं
हालेलुया। और वेखो जी जो जितने ही जा रहे मेरी टेस्टिमनी है, जा रहे रस्ते च विजिट कर जा रहे कि घर, तो ब्रदर मेरे पिछे आ रहे, उन्हें मैनू इशारा मारिया कहिंदा इधर रह, इहनू मोटरसाइकिल इधर नू कटो दी, मैं तुहानू जगह दिखावां। मैं भरा जगह कितने लैनी, इन्हें पैसे नहीं है, वह पैसे की गल बाद करांगे, चल तू कट यार। मैं कहा चल फिर असी बैठे, सारा कुछ हो गया क्योंकि वो दबाउन तो पहले ही पवित्र आत्मा ने मैं दस दिता ही कि आह काम होने जा रहा। सिर्फ एक जरिया बनाना चाहता उस बंदे नू। मेरे कहने का मतलब लिया कि जिन्ना चिर प्रभु की मर्जी नहीं होएगी, तुसी भावें हजारा चीजा लभी जाओ, कभी भी नहीं लभन गिया। जो प्रभु की आवाज आ गई फिर प्रभु एक जरिए की करेगा, करदा कि नहीं। पर वास्ते तुम वेखो तुम लगातार धुप च आ रहे, ठंड में आ रहे, सर्दी च आ रहे, जिदा भी पै रहे पंडाल के थले सेक पवा रहे, अज तुम यह वचन दसेगा कि ताडा दान देना, ताडी प्रेयर, ताडे फास्टिंग व्यर्थ नहीं आ। समझ आ गई? जो लूका दी अंजील नूं आपां खोलदे हां, सब जन खोलो लूका, उहदा 18 नंबर चैप्टर, उहदी पहली आयत तो लैके आपां इहनूं 8 आयत तक पढ़ांगे। जे कट्टिया पढ़ो, नहीं तो फिर हाँ मैं पढ़ांगा। सुनो, अपनी डायरी विच लिखो, कैमरे ते ध्यान दे यार, कैमरे नूं छड्ड के नहीं जाणा, उहनूं ढिल्ला कर लै पेज नूं थोड़ा, हाँ जिहड़ा हाँ ढिल्ला कर लै। हालेलुया। सुनो ध्यान नाल, अपनी डायरी से लिखो कि प्रभु विच कीती मेहनत कदी व्यर्थ नहीं जाती। ये साडा नैक्सट पार्ट आ, शुरू वाला सैकेंड। लूका दी अंजील, प्रभु यीशु जी तो दृष्टांत देने लगा अपने चेलन, उसने उन्होंने इस मतलब का एक दृष्टांत दिता, जो सदा प्रार्थना में लगे रहना और सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सब बोली आमीन। की कह रहा प्रभु यीशु ने? प्रभु यीशु ने तो नहीं आख्या भी तुम फिर संडे दवा करनी तो बाकी 8 दिन रमानना, 7 दिन 6 दिन सोना, खाना पीना सोना। प्रभु यीशु ने अपने चेलन आख्या कि तुसी लगातार प्रार्थना प्रार्थना में नंबर सुस्ती नहीं करनी। अज कितने लोग सुस्ती करते हैं, रोजिया में सुस्ती, चर्च हॉल सुस्ती, प्रेयर। पहले नंबर से जो लोग बीमार होंगे उदो हर गल मानते हैं, तो जो चंगे हो जाते ना फिर अपनी मर्जियां करनी की कर देंगे, चल जाएंगे अगले हफ्ते, चल जाएंगे 2 हफ्ते, चल जाएंगे। प्रभु कहता चल ठीक है, कर ला मर्जी। हुण परमेश्वर की कह रहा उन्होंने लोगों ने, जो लोग बाइबल प्रेयर और फास्टिंग कमजोर, बीज च कमजोर आ। प्रभु ने कहा कि कहता आंदा, उसने उन्होंने इस मतलब का एक दृष्टांत दिता, जो सदा प्रार्थना में लगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा सदा ही, सदा का मतलब ईवनिंग, मॉर्निंग, सवेरे, दोपहरे ते शामी प्रेयर में लगे की है। हुण दानियल की किन्ने टाइम की प्रेयर सी? दानियल 3 टाइम प्रेयर करता सी, घुटने लगा के, खिड़की खोल के, तो यरूशलम जिधर हैकल बनी उधर करता है, ठीक है। हुण तुहानू पता जो दानियल के उपर प्रॉब्लम हुई, जो राजे दे कोलों मोहरा ला लिया, 120 जिहड़े बंदे सी उहदे कोल जलदे सी, सड़दे सी, 120 जिहड़े बंदे सी उहनां दे उपर, सीनियर सी उहनां दा, उहनां दा प्रेजीडेंट सी, उन्हों प्रेजीडेंट जो बनाता तो दूसरे लोग जलन करते, ये हम साढ़े चीज़ों का ध्यान रखेगा, अज तो हेरा फेरी करनी, उन्हें सारी खबर राजे को जाके देगा। कितने लोगों ने समझा रही है। उस तो बाद बाइबल दे विच लिखा जो उन्होंने मोहरा लवा लिया, राजे को साइन करा ले, उस तो बाद उन्हें कहा राजा 1 महीना कोई भी तेरे तो बिना किसी की भी पूजा की है। सुनो, जो उन्हें मोहर ला दी, क्योंकि राजा भी मोहर ला के फस चुका सी, और बाइबल दे विच लिखा दानियल नूं पता सी भी मोहर लग चुकी, छाप पै चुकी आ, पर दानियल ने प्रभु की फिर गल मनी, वो डरिया नहीं कि हुण राजे ने मोहर ला दी, जे मैं फिर प्रेयर करांगा तो मैनूं शेरां च सुट देगा। उन्हें वाचा किहदे नाल सी? परमेश्वर नाल। हुण इस जगह ते उस तो बाद दस्सिया कि जदों वो अपने घर विच गया, वो जाके जदों खिड़की खोली, वो प्रेयर कर रहा, घुटनिया दे गया प्रेयर कर रहा, उस वक्त दस्सिया उन्हां बंदिया ने आण के दानियल नूं फड़ लिया। तो कहते राजा वेख तेरी ही साइन हुए ने, तू मोर लाई आ। हुण राजे नूं पता है परमेश्वर का बंदा, पर जिहड़े लोग शैतानी, तुहानूं पता शैतान जिहड़ा डायरेक्ट नहीं गल करता, वह सीधा दूजे लोगों के विच दिया के अपना काम की है। शैतान सीधा नहीं लड़ेगा तुहाडे नाल, तुसीं रोज़ फायर करोगे, रोज़ ही कन्न विच गुर पड़ोगे, तुहाडे आंढियां गवांढियां विच दी, तुहाडे रिश्तेदारां विच दी, तुहाडे घर दे विच दी तुहानूं तंग करेगा, शैतान सीधा नहीं आएगा। उस तो बाद मेरे जीजो की होया, बाइबल च लिखा जो दानियल नू लैके
तो राजा भी जबान दे चुका, राजा मुकर नहीं सकता। लिखा जो उन्हें शेरां की मांद विच सुट दिता, लिखा जो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा तो जो प्रभु के स्वर्ग दूत आए ने उन्हें उस वक्त शेरां के मूँह की कर दिते। हुण मैं तुहानू यह पुछना चाहना कि दानियल रोज प्रेयर करता ही कि जाने उस दिन प्रेयर की जिस दिन शेरां के घोरने सुटिया गया। हालेलुया। हुण साडे भैण भरावां नूं दुद्ध नहीं याद होनी कन्न विच बूर दी जिस दिन पेट खराब हो जाणा है, जां उल्टी आउणी आ, वोमिट होनी शुरू हो जाणी, फिर तो जां को घर के चक्कर पै गया, फिर कहना लिया जी कन्न विच बूर कड्डो, ये फिर कौन आ। ताई इस जगह से प्रभु ने की बोलिया कि प्रेयर विच सुस्ती की है नहीं करनी, चर्च जाने च सुस्ती नहीं करनी, बाइबल पढ़ने विच सुस्ती नहीं करनी, रोजे रखने च सुस्ती नहीं करनी, दान देने विच सुस्ती नहीं करनी, जो जमीन का ताई ते लगा उन्हें देने च सुस्ती की है। तुसी चाहते ना गॉड है बेस्ट है, प्रभु साडे लई सुपर ब्लैसिंग लैके आए। और दानियल देखो जो परमेश्वर की प्रेयर कर रहा, वो धन्यवाद कर रहा, प्रभु ने उस वेले स्वर्ग दूत कले बचाया कि नहीं। तो जो एक दिन की प्रेयर करके छे दिन सौन वाला टीवी वेखन वाला हों, मजाक करने वाला हों, चुटकले सुन वाला हों, मोड़ा देख लो गए कभी बच सकता सी, क्यों भी बस ये तो परख करो अपनी जिंदगी की, दानियल के नाल मैच करो। तीन दिन टाइम प्रेयर करते ने, हफ्ते के रोजे रखते जे, अपने चर्च के बीच पाते जे, अपने दास की गल मानते जे कि कला चर्च ही आते जे। मेरे जीजो प्रभु भी उन्ना चर कुछ नहीं करेगा जब तक तुसी अपना अंगीकार नहीं करोगे, जब तक अपनी खुदी का इनकार नहीं करोगे प्रभु उन्ना चर कुछ नहीं करेगा। तुसी 20 साल खलोते रहोगे, प्रभु भी 20 साल खलोता रहेगा। फैसला ऑन दी स्पॉट, बाइबल च लिखा हे मेरे पुत्र जब मेरी आवाज नूं सुनदा अपने मन नूं कठोर, अज ते मन कठोर ने लोगों के। जबूर 95 च कहिंदा आंदे फिर तू मन दे लोग है जिहड़े मेरे आराम विच नहीं बणगे। अज देखो सारा खाली कित्थे ने लोग हैगे, झुंगे दे लोग है, इह ते झुंगा बणिया, इहने ते मेरे घर दे जी जिहड़े इत्थे बैठे आ। पर जे दिन मुसीबत आउणी है उदन सारा कहना पास्टर जी चुको फोन करो दुआ साडे लई। कारण की आ कि वह लोग अपनी जिंदगी लिए सीरीयस नहीं, घर भी आराम नाल बैठे पख्या तले हवा लैन डे आ, पर इत्थे आना पसंद नहीं उन्होंने, इत्थे कितने आउणगे। हुण दानियल जिन्हां लोगों वर्गां दा तो शेरां को कभी बच सकता सी, क्योंकि मेरे जीत साथी वेखो पास्टर जिहड़ा उहदी ताड़ना हमेशा चलती रहनी आ, खुदा दे बंदे हमेशा ताड़दे ही आ, क्योंकि ताड़ना सुधारना साडे सपना लई की है गुणकार है। जे ताड़ना नहीं पेगी तो सुधरोगे नहीं कभी, तुम कहना कोई नहीं आप सही चल रहे हैं, जे सही तो गलत चल रहे हैं तुम बाइबल पढ़ के वेखो की कहता। आंदा नीवियां नाल मिले रहो, अपनी जांच में सियाने की आ ना बनो। जे तुम अपनी जांच करनी तो बाइबल पढ़ो, तुम कि चल रहे जी, क्योंकि बाइबल तुम पढ़नी नहीं, तुम उदा कहना मैं खा रहा पी रहा मैं ब्लैस हाँ मेरे घर सारा कुछ आ मैं सुपर ब्लैस हाँ, प्रभु कहना ठीक है तू सुपर ब्लैस है, पता बाद च लगना जो बाइबल खुलनी फिर पता लगना मैं किन्ने सुपर ब्लैस हाँ। हूँ दानियल तो आप शिक्षा पाई कि दानियल ने की किया, वो अपने प्रभु की रोज इस सबैकता दे विच की करता सी। जे पवित्र आत्मा की सबैकता तुहाडे जीवन च आ तां तुहानू कहण दी लोड़ नहीं प्रभु मैनू पुत्र दे, प्रभु मैनू कर दे, प्रभु मैनू जीवन साथी दे, क्योंकि प्रभु दे नाल तुहाडा तुहाडी बुलाहट की आ कि प्रभु दे नाल नाल चलना। जिदन साडे घर च प्रॉब्लम होई उदन ही बाइबल खोलनी, जिदन प्रॉब्लम होई उदन ही रोजा रखना। किडनियां ठीक हो गईयां रोजे छड्ड दे, किडनियां खराब होईयां रोजे रख ले, ऐ नहीं मेरे जीजो। ये तो आप सदूकी फरीसियां वांगू मान रहे, जिदा सदूकी फरीसी मनते वह नहीं, क्योंकि प्रभु में आ के सानू सारे तौर तरीके चेंज। सब तो पहले प्रेयर में सुस्ती नहीं करनी, तुहानू पता रात की प्रेयर करनी, सुबह उठ के मैं घुटने ते ऑनर पहला प्रभु नू देना, सुबह मैं व्हाट्सएप नू चैक नहीं करना, सब तो पहले मैं बाइबल खोल के प्रभु दे कोल एक नवा वचन तौत की कहता आंदा परमेश्वर मैं रोज ही अमृत वेले तेरी उडीक किए, आंदा मैं तैयारी करके तेरी उडीक किए। हुण किन्ने लोग अमृत वेले तैयारी करके ठीक करते, पहले नंबर ते 9 बजे तो सुते नहीं उठते कि अमृत वेला आंदा 9 बजे है। तुसी चाहुंदे तौत वाली जिंदगी जीनी, तुसी चाहुंदे अब्राहम वाली जिंदगी जीनी, तुसी चाहुंदे पतरस वाला करैक्टर होवे, पर किदां ओह रब दे बंदे बहुत ज्यादा मेहनत वर्कआउट करदे सी। अज कलीसिया वर्कआउट नहीं करदी, गवाही वेंदे मैनूं आ मिल जे मैनूं एदां नहीं। मैं तुहानूं पहले कहना मसीह विच आण के सिर्फ तुसी पवित्र आत्मा की सपैकता मंगो, प्रभु मैं कुछ नहीं मंगदा,
खुदा दे वचन च लिखे पराइया कौमां दे लोक इन्हां वस्तां नूं लभदे पर तुहाडा स्वर्गी पिता तुहाडे मंगण तों पहले की है तुसीं की दसोगे उहनूं आंदा मैं तुहाडे सिर दे वाल वी गिणदे आ अज दा वचन वी कोई उह सिखाउंदा कि दानियल ने उस दिन प्रेयर नहीं की जिदन उत्ते प्रॉब्लम हुई आ रोज प्रेयर च रहिंदा दाऊद सत टाइम प्रभु की उस्तत करता किन्ने लोग रोज वर्शिप करते हैं दानियल सत टाइम भजन गाँव सत टाइम आप दस मिनट प्रेयर करके इन्हें बल्ले बल्ले मेरे नाल दा धार्मिक बंदा ही कोई नहीं दस मिनट प्रेयर से ये स्टाइल आ प्रेयर तुसी घंटिया के करन तो पहले बाइबल नूं समझना तुसी बाइबल समझते जाओ अपने आप नूं सिद्ध करते जाओ सिद्ध दा मतलब बाइबल नूं पढ़ पढ़ के अपनी गलतियां सुधारते जाओ प्रेयर पंद्रह मिनट के तुहानूं चंगा कर देगी किन्ने लोग सुनते हैं जिन्ना चिर तुसीं बाइबल की आदतां ते नहीं चलते प्रभु के कानूनों फॉलो नहीं करोगे कल्ले चर्च आई जाओगे प्रेयर नहीं करोगे अपने तरीके ना खा लिया अपने तरीके ना पा लिया अपने तरीके ना प्रेयर बंद कर दी अपने तरीके ना शुरू कर दी किन्ने लोग सुनते हैं पिछली बार बोला कि अभिषेक होने के कारण असं कि ब्लैस हो सकते हैं क्योंकि अभिषेक ताडे जीवन च किन्नी आश अज मान लो अभिषेक मेरे उपर आ किन्ने लोग मेरी इज्जत करते हैं अभिषेक मेरे उपर आ हर बंदा मेरा ऑनर करेगा क्योंकि प्रभु ने तुहानू अभिषेक अभिषेक क्यों ठहराया कि प्रभु लोग ताडी इज्जत करन पर जे ताडे को मसा नहीं है तुहानू ज्ञान का पता नहीं तुसी फिर आम लोग ने तो आम बंदे की कभी भी कोई इज्जत नहीं करता हुण इह जगत जदों इह प्रभु दे वचन नूं पढ़िया की कहिंदा परमेश्वर अंदर प्रार्थना में सुस्ती की है नहीं करनी चाहिए जिस तरह दानियल रोज प्रेयर करता दाऊद रोज प्रेयर करता वो सुस्ती नहीं सी करता ते लगातार तुसी संडे चर्च नूं अटेंड करना लगातार अपने घर च बाइबल फड़ के दोवां जीआं ने घुटने ते जाना जो जदों तुसी मिल के प्रेयर करोगे मैं कहा शैतान हार जाएगा तुहाडे घर चों एक जना प्रेयर करता दूजा लागे घराड़े मारन डिया एक जना प्रेयर करता दूजा लागे स्मोकिंग करन डिया एक जना प्रेयर करता दूजा टीवी वेखन डिया ते प्रेयर थोड़ी हैगी है ये तो समझ लो मजाक तो ही अपनी जिंदगी का जान के करन डे जी क्योंकि तुहानू प्रभु वे जान के हर चीज़ अलग करनी पैनी तुहानू मैनेज करना पैना हर काम नूं क्योंकि अपने आप कुछ नहीं हुंदा मेरे जीजो जिंदगी सानू वह नहीं देंदी जिदे लई डिजर्व करदे आ जिंदगी सानू वह देंदी जिदे लई मेहनत करदे किन्ने लोगों नूं पता मेहनत करन वाले चमकदे आ क्योंकि पलूस कहिंदा आंदा जिहड़ियां मैं तैनूं दातां दित्तियां हाथ रख के उन्हां नूं की कर दे चमका दे इस करके तुसीं कल्ली हीलिंग नहीं वेखणी प्रभु मैनूं हीलिंग कर हर संडे हीलिंग दा प्रचार हर संडे हीलिंग नहीं हीलिंग कल्ली तुहानूं स्वर्ग च नहीं खड़ेगी चंगियाई तुहाडे अंदर आ लैणी कितां वा तुहानूं पता सब तों पहले मैं इकरार करना दूसरा नंबर मैं विश्वास करना ते तीसरा नंबर मैं धीरज नाल चलना ते तुसीं चंगे हो चुके जे इन्हें को मैं फलाने पास्टर को जाके हाथ रखावा वो मेरे ते ले हैंड करे फलाना मेरे ते ले हैंड करे क्योंकि जो तुसी एक वचन नूं पढ़ते बड़े ध्यान ना फिलिपियां चार छे बाइबल च की लिखा आंदा ताड़ियां अरदासां ताड़ियां बेनतियां ताड़े धन्नवाद किन्हां दे अगे कीते जाण किन्हां दे अगे री प्रेयर फॉर मी आंदा मेरे लिए प्रेयर कर नहीं मेरे जीजो ठीक है बीमारां वास्ते दसा कि अपने जो तुसी बीमार जे अपने पूर्वजां अपने बजुर्गों नूं अपने घर सदो वो तेल ला के तुहानूं तेल चसन ते तुहाडे लई प्रेयर करन तुसीं नरोए कीते वो अलग मैटर आ वो अलग आ हुण तुसीं वेखदे पंद्रह साल तो चर्च में जा रहा बीस साल तो चर्च जा रहा अजे भी दूजियां को प्रेयर कराउण डिया फिर वो की है बंदा प्रभु का वचन तुहानूं एक एक गल सिखाउंदा अज बाइबल ना होण करके लोग भटक रहे ने बाइबल ना होण करके कदी ऐनू पता नहीं असल पता नहीं बाइबल की कहण डी हुण इह जगह ते मेरे जीजो की शिक्षा पाई आपां अगे की लिखिआ आंदा कि किसे नगर विच एक हाकम सी जिहनू परमेश्वर दा भय ना मनुखां दी परवाह सी इह कौण आ एक हाकम आ ना ते प्रभु दे कोलों डरदा ते ना इह मनुखां दे कोलों की है डरदा की लिखिआ अते उस नगर विच एक विधवा सी अते ओह उस दे कोल इह आखदी आउंदी सी जो मेरी वैरी है तो मेरा बदला लै दे कि किन्ने किन्ने क चिर ता ओने ना चाया पर पिछों अपने मन विच कहा कि मैं कि भावें मैं ना परमेश्वर दा पै करदा
ਤਨਾ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਜਾਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਕੜੀ ਕੜੀ ਮੁੜੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਵੇ ਹਲੇਲੂਆ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਅੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਅੱਕ ਜਾਏਗਾ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੋਲੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁਕਾਰੋ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਪੁਕਾਰੋ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਕੇਗਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਇਹ ਹਾਕਮ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਆਂਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੀ ਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੋ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਈ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਕਦਾ ਤੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰਮੀਆਂ 33 ਦੀ 3 ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਮਗਰ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਅੱਕੇਗਾ ਉਹ ਅੱਕ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹਾਕਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਅੱਕੇਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਥੱਕੇਗਾ ਕਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦੋਗੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਜਾਓਗੇ ਭਾਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਆਕੀ ਕੀਏ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾ ਆਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਥੱਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਬੇਟੇ ਮੰਗ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਦਾਊਦ 7 ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ 7 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਕਣਾ ਤੇ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਕਦਾ ਤੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਰਚ ਸਾਡਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਯਾਦਗਿਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਪੜਾਂਗਾ ਸੁਣੋ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਚੁਣਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਂਦਾ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੌਖਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਚੌਖਾ ਚਿਰ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੌਖਾ ਚਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ
पर जब मनुख का पुत्र आवेगा तद वह धरती उत्ते नेचा की करेगा। सब बोले आमीन। विश्वास के नाल सब कुछ होंगे मेरे जीजो। इब्रानियों की किताब में जो 11:6 पढ़ते हैं उत्ते लिखा नेचा बाजो तो मन में पौना की है अनहोना जे ते अंदर विश्वास नहीं है। पर विश्वास कितना आता बाइबल तो आंदा सुनना मसीह के वचन तो आता विश्वास जोड़ा वचन जे ते अंदर वचन ही नहीं है तो यह कि चीज़ पर विश्वास करोगे। रोमियों के लिखा जिन्हों देखिया नहीं वो तो विश्वास कितना करिए जिदे बारे सुनिया नहीं वो नेचा कि जे प्रचारक भेजे ना जाते क्यों कर सुनते जे तुम दास ही ना समझता तुम क्यों पता है प्रभु यीशु ने किहड़े काम किए। इस करके अज का जो मैसेज आ नंबर एक प्रेयर में सुस्ती की है नहीं करनी क्योंकि जो बंदा प्रेयर च सुस्ती करेगा और रोंग है वह कभी वध नहीं सकता। जे तू खा पी के सुते रह जे तो रात को तुम्हें पता शैतान आएगा तो ताड़ियां आशा चुरा के लै किए। कई बार बोलिया कि जो 12 to 2 सौंदा वा वह कभी भी बेस्ट जीवन नहीं जी सकता क्योंकि शैतान मुर्दा चीजा ताडे नाल लंबे पा जाएगा तो ताड़ियां ब्लेस चीजा लै किए। तुम्हें पता बाइबल च एक स्टोरी है दो विधवावान जो बच्चे हुए दोनों कॉल गर्ल सी उन्होंने बेबी हुए एक जनानी ने लम्मे पे अपना बच्चा थले दे के मारता। समझ आई शैतान अद्धी रात में आएगा ताड़े बेस्ट चीजा ताड़े तो चुक के लै जाएगा तो मरिया चीजा ताड़े नाल सवा किए। समझ आई कि नहीं आई। फिर तुम्हें प्रभु इशारा देता 12 to 2 की प्रेर का जे तुम 12 to 2 जागोगे कोई जादू कोई टौना ताड़े घर नहीं होगा। जिन्हें लोग सुनते जिन्हें बाबे रात को जागते 12 to 2 मड़िया जाके सिले कटते हैं साडे लोग सुते होंगे उदो जो सुते रहोगे प्रभु तुम कभी भी ब्लैस नहीं करेगा। यह सारा डिपेंड ताडे ते कि जीवन जीना चाहते जी क्योंकि कई बार बोला मरके 16:16 लूका 10:19 जबूर 91:13 उन्हें तुम अधिकार देते हूँ वह काम नहीं हूँ साडा की है। चर्च आने का साडा काम आ प्रेयर करन दा साडा काम आ बाइबल पढ़न दा साडा काम आ दान देन दा साडा काम आ। जे दान देवांगे तो प्रभु साडे शरापां नूं की करेगा ओए तुहानूं क्यों होंदा तुहानूं आओ साइड ते चले जाओ उधर चल जाओ ओ पिछे चल जाओ सारे दा तुहाडे वल ध्यान होना सारे डिस्टर्ब आओ ते उधर साइड ते रहो सारे डिस्टर्ब होए नहीं। हालेलुया किन्ने लोग समझण दे ने समझ लग रही कि नहीं। अज का वचन तुहानूं सिखा रहा कि प्रेयर विच सुस्ती नहीं करनी रात की रोटी घट खानी आ। पास्टर जी कहते तो बिशप साहब कहते सवेरे राजे वरगू दुपहरे राणी वरगू तो रात को भिखारी वगू। समझ आई सवेरे राणी वगू राजे वगू मतलब कि मॉर्निंग दुपहरे ताड़ी जिनी मर्जी रोटी हो पर रात को भिखारी जिदा कि भीख मंगने वाले मिलनी कि नहीं मिलनी उदा करना तो जो रात को रोटियां ज्यादा खा लिया तो उठा नहीं प्रेयर ही नहीं की तो पास्टर ने प्रोफेसी की तो प्रोफेसी सौ के थोड़ी पूरी होंगी है। मैं कई बार बोलिया कि जो एलिया प्रभु ने बोलिया कि मी शुरू हो रहा एलिया ने कितना प्रेयर की लेकिन उन्हें घुटनिया में सिर दे के 7 दिन प्रेयर की पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन 5वें 6वें और 7वें दिन। पहले दिन प्रेयर की उन्हें अपने बच्चे को ले जा दे क्या सिग्नल आया नहीं आया फिर दूजे दिन फिर तीजे दिन फिर चौथे दिन जा आता हूँ वेख्या आता नहीं आया फिर 5वें 6वें दिन जा वेख्या नहीं आया जितने 7वें दिन फिर घुटने सिर दे के प्रेयर की उन्हें जा हूँ चेक करके आ उन्हें की बोलिया आते हाथ जिन्ना बदल किए उठ्या एली ने कहा प्रभु ने मेरी प्रेयर सुन की है तारीफ करो क्योंकि मेरे जीजो तुम अज प्रोफेसी सुन लिया तुम 4 दिन प्रेयर करनी है जो नहीं होया तुम कहना प्रेयर ही बंद किए ऐदा नहीं कुछ हुंदा जिन्ना चिर गवाही बन नहीं जाती उन्ना चिर प्रेयर करते ही चर्च आउंदे ही बाइबल च बने ही वर्शिप च बने ही रहना। आप मजाकी मसीह नहीं हाँ आप वचन वाले मसीह हाँ। बाइबल च लिखा मूर्ख ने कितने घर बनाया रेत ते वह चर्च जरूर जाता ही पर अंदर वचन नहीं सी। लिखा नेरिया या तूफान आई उस घर नूं धक्के वजे तो डिग गए तो बेड़ा गर्क उदा बेड़ा गर्क हो गया क्यों क्योंकि सिर्फ कला चर्च ही जाता ही पर बाइबल नूं फॉलो नहीं सी करता। हुण धर्मी ते भी मुसीबत आई धक्के वजे झटके वजे वह धक्के झटके की मुसीबत शरीरिक मुसीबत फाइनैशियली प्रॉब्लम घर दियाँ चिंता कमेटियां फलाड़ टींग जे वो जो यहोजी चीज़ा आदि वा वह विश्वासी दबा दें
लिखा ओदे घर नूं चटके वजे टक्के वजे पर ओह डिगा नहीं क्यों क्योंकि ओदी नीह की ही परमेश्वर दा वचन तुने नीह कित्थे रखी पत्थर ते बाइबल च लिखा जिस पत्थर नूं राजा ने रद्दिया ओही कुंजे दा सिरा की है ओह कौन आ प्रभु यीशु मसीह इस करके जिदी नीह प्रभु यीशु ते आ ते जिदी नीह वचन ते आ ओह कदी भी डिग जबूर 34:19 च लिखा धर्मी ते बहुत सारियां मुसीबतां पैंदियां पर परमेश्वर सब तो उन्हूं छडाउंदा छडाउंदा कि नहीं आमीन। एक छोटा क्लिप आपां होर देखांगे फिर समाप्ति करने क्योंकि 3:00 इस तों अगे नहीं आपां जाणा सब कोलों दूसरा करंथियों जल्दी जल्दी हुण मैं देखण जा रहा सेवा दे बारे हुण किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ दानियल किदां बचाया गया क्योंकि रोज प्रभु की सबैकता च रहिंदा सी दाऊद वह भी सबैकता च रहिंदा सी दूसरा करंथियों 7 हुण आपां चले अपनी जमीन वाली सैडल पहले तुहानूं प्रेयर दे बारे दस्या भी प्रेयर च किदां रहना हुण जमीन वाली भी सुस्ती नहीं करनी वह भी आपां चुस्ती फुरती च रहना लिखे ही भराओ असीं तुहानूं परमेश्वर की उस किरपा की खबर देंदे हाँ जिहड़ी मकदूनिया की कलीसिया उत्ते कीती हुई है सब बोले आमीन। की कहिंदा संत पौलुस इह करंथियां की कलीसिया नूं मकदूनिया दे बारे दस रिहा की कहिंदा आंदा कि किसी तरह नाल बिपता दे वड्डे परतावे विच उन्हां ने आनंद की बहुताई ते उन्हां दी डाढ़ी गरीबी ने उन्हां दी अत वड्डी दिलेरी अत वड्डी खुल दिली नूं वधीक कर दिता क्यों जो मैं इह साखी दिंदा हाँ कि उन्हां ने अपनी वित्त दे अनुसार सगों अपनी वित्त वित्तों बाहर आप तो आप दान दिता सब बोले आमीन। हुण इह कौन आ इह गरीब लोग है मकदूनिया दे विच लिखो उन्होंने अपनी सोच तो वध आप तो आप दान किए दिता अगे लिखा आंदा अते उन्होंने वड्डी मिन्नत नाल साडे अगे इह बेनती की कि साडी भी उस पुन दे काम अते उस सेवा विच जिहड़ी संतां लई है सांझ होवे सब बोले आमीन। की कहिंदे हुण जदों इन्हां नूं पता कि जिहड़ा संत पौलुस सी तुहानूं पता जिहड़ा पौलुस सी ना वह चर्च के कम्मां तों अपना घर नहीं सी चलाउंदा पौलुस जिहड़ा तंबू सींदा मतलब चाननियां सींदा सी ठीक है उहदा साइड बिजनेस सी चाननियां हुण इह कह रहा कि जदों चर्च वाले लोग इहनूं सपोर्ट करदे इह मान लो अमृतसर विच ब्रांच ते बंदे बिठाउंदा अगे तरन तारन जिते जिते भी पिंड लागे लागे गुरदासपुर जां जिथे भी बटाला ये जिन्ना दायन और दान आउंदा ही जिहड़े लोग अपना दान देंदे ही तुहाडे नाल ब्रांचिस मतलब कि उह दान गांधे गां दे के ते प्रभु दा सुसमाचार की करदा सी फैलाउंदा सी क्योंकि चर्च दे पैसे तो अपना गुजारा नहीं सी करदा इहदा साइड बिजनेस सी सानूं पता होना चाहीदा। हुण इह जगह ते की लिखिआ सी लास्ट अच के लिखिआ अते उहनां ने वड्डी मिहनत नाल लिखिआ उहनां ने पौलुस अगे वड्डी मिहनत कीती साडी अगे बेनती कीती कि साडी भी उस पुन दे काम अते उस सेवा विच जिहड़ी संतां लई है सांझ होवे इह सेवा किहनां लई है संतां लई संतां ने की करनी जे मान लो कलीसिया सेवा दित्ती ते संतां ने की करनी सेवा उहनां प्रभु दे किंगडम दे विच की करनी है प्रभु दे राज दे विच लाउणी आ अज मान लो इह कदी चुक के टप्परवासी कहूंगू कदी इधर ते कदी उधर होशिया की जो आप पढ़ते हजई कहिंदा परमेश्वर का भवन टुटा पिया वा बर्बाद पिया तुसी अपने घर नूं भज कीजे इह जगह ते सिग्नल दे रहे वो लोग कि जो प्रभु का दास पौलुस अलग अलग जगह ते चेले थापी जाता तो अगे तुरै जाता इस सेवा जिन्नी लोग करते ही कदे वास्ते भेजते सी कि लोग बचाए जान लोग सुसमाचार सुन तो उन्हां दा जीवन बचाया की है अज आपां नूं भवन की लोड़ आ ते सब नूं पता कि गरीबां ने वड्डी मिहनत करके अपनी बित तो बाहर दान दिता उन्हां अपनी डाढ़ी गरीबी सुनिया ना की लिखा
ਅੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਢੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੀ ਹੈ ਹੋਵੇ ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹੋ ਉਹ ਨਾਗਾ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਰਿਹੋ ਭਾਅ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗਰੀਬ ਮਿੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹੀ ਕਿ ਪਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਲੂਸ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੰਨ ਲਓ ਤੰਬੂ ਸੀਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਾਪ ਪਈ ਮੈਂ ਛਾਪ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਆ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਛਾਪ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਜਿੱਦਣ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਪਾਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਲੈਸ ਕੀਏ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਸਰਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਕੀਏ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਂਗੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੀਏ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਈਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ 20000 ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 20 ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਸਟਰ 20% ਬੀਜੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ 40% ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਕਲੀਸੀਆ 10% ਬੀਜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ 20% ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 10% ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਵੀ 10% ਆ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ 20% ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਤਾਂ 20% ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਪਵੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਨਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਦੇ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਸ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਕਿ ਤੈਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਬਸ ਸਮਝ ਆਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ 72000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 7200 ਰੁਪਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰਨਾ 7200 ਯਾਰ ਨਹੀਂ 72 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਸੋ ਇੱਧਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ 3000 4000 ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਤੇ 6000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਚੱਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀਸੀਆ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰੋਣ ਡਈ ਆ ਇੱਧਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡਿਆ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਇੱਧਰ ਸੋਨਾ ਦਾ ਤੇ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਡੇ ਫਿਰ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਨਾ ਹੁਣ ਡਾ ਦਿਓ ਬਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪੋਹ ਦਿਓ ਬਸ ਬੀਜ ਦਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾਤਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਬੱਸ ਆਵੇ ਨਿਕਲ ਜੇ ਬੱਸ ਆਵੇ ਨਿਕਲ ਜੇ ਬੱਸ ਆਵੇ ਨਿਕਲ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 10000 ਸੈਲਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਈ ਕੀ ਹੈ
समझ आई? पहले तासिया, फिर लगातार लगातार वफादार होया, फिर 15, 20, 25, 30 सैलरी वादी गई, क्योंकि उन्हें सारा था सारा की कर दिता। जे उतनो सारा ना देंदा तो उन्हें बस चढ़ जाना ही, तो उस बंदे ना कभी भी एनकाउंटर नहीं सी होना। ये भी प्रभु की मर्जी होंगी, ताकि जेब खाली करवानी, तुम अगला लेवल देना। उस तो बाद दसा कि वह बंदा एक दिन इन्ना क ज्यादा वह मतलब कि मालिक के दिल में छून डह पिया। उन्हें की किया, उन्हें कहा यार हुण मेरी गल सुन, मैं चलिया फॉरन दे विच, तो तू मेरा सारा काम ही की कर ला, तू मेरा सारा काम ही सामभ ला। समझ आई? आंदा यार तू सारा बिजनेस सामभ, सारा सामभ, मैं चलिया हुण फॉरन दे विच, तो तू चल लै नज़ारे मगरों। हुण कितना आया रशका चलाउंदा, बीज बोया तो जे बचा के रख लैंदा तो कभी ब्लैस हो सकता जी। समझ आई? ताडियां जेबां खालियां हो जानी चाहीदियां प्रभु की महिमा लई। आ जिन्हें छैने चीजा वजते वेखे, मैं बी बीजदा सब तो ज्यादा, मैं बीजदा, मैं चलो मैं परमेश्वर का दास, मैं अपनी सिफत नहीं करता, मैं शब्द यहावा चंगा लगता, मैनू नहीं लगता। असी दोवें जिया का एक ही ड्रीम है, मेरा तो मेरी घरवाली का, कि जिदा ही परमेश्वर के दासा अज देखते, उन्होंने अच्छा बनाया उदा बनाया, साड़ी पूरी जिंदगी इदा दी है। ठीक है, खुदा की दासी कहती जगह से बहुत वड्डी स्टेज बनावे, अगली सैड से एंगल लावे, जिदा अजक लगता चर्च के, ए पूरी कैंट, ए फ्लावर लगन के, पूरे पौधे लगन के उ। ठीक है ना? तो हम भैन भरा कहे हाए कितों दईए, साढ़े को है नहीं, वो ना भी देने प्रभु ता भी इस काम को पूरा किए। मैं इतने बैठा के गल सोचना कि परमेश्वर अच्छ करोड़ की भी चीज़ हो तो मैं पता हो ही जानी है, क्योंकि ताडे अंदर जज्बा जज्बा। जो दाऊद ने गोलियत को मारिया, उन्हें तो वेख्या कि बड़ा वड्डा बंदा, उसके अंदर जज्बा सी परमेश्वर का। अज तुहानू जगह गोलियत लग रही है, पर मैनू एक छोटी जी मक्खी लग रही, जिन्हें लोग सुनते हैं। जे तुसी मेरे वाले समझना चलोगे तो फिर जमीन हाडी चुटकी दे नाल साडे पैरां दे थले हो चुकी है। तो जे हाए 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 कित्थों दवांगे, हाए हाए वालां दा रब नहीं है, जिहड़ा सोने की परवाह नहीं करता, जिहड़ा कट्टी की परवाह नहीं करता, जिहड़ा अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता, उही लोग जितते आ। समझ आई? तुसी अज कई चीज़ों जो मिस कर जाते, जो तुहानू तुसी पैंदे अपने अपनी जेब पहले रख दे। हुण विधवा ने दसा जो है सारे का सारा पा दिता, हुण ये जिहड़ा बंदा जो उस रात ना पाउंदा, तो तुसी स्याणे जे कदी एड्डी वड्डी नूं जॉब मिल सकती सी? परमेश्वर ने पूरी जेब खाली कर दी, क्योंकि जो ने बोया हुण खुदा ने एक वड्डा लेवल देना चाहता सी। आप देने तो पहले आप सोचते यार दे दे दिता, हुण मेरा महीने का खर्चा कहता चलू, प्रभु कहता मेरे ते भरोसा कर। हुण एलिया दे बारे वेखो, एलिया 3.5 साल तक खाता पीता, 2 टाइम तक है जो खाना लैके काम दे ही, ते देश सारा काल ना की कर रहा है, काल ना मर रहा। तेन ओनू एलिए कौन देता सी? उही परमेश्वर जिहड़ा अज भी तुहानू देण दी सामर्थ की करता, जिहड़ा अज भी मैनू देण दी सामर्थ रखता। प्रभु बदलता। इब्रानियां 13:8 लिखा, प्रभु कल आज और जुगो जुग किए। भाजी एडी एडी वर्ड गल्लां करनियां सौखियां थोड़ी है। शैतान पहले कहिंदा हां ना करदी, तेरा पंगा पै जाणा ही बाद च, हां करोगे तो प्रभु तुहाडे लई कुछ करेगा। प्रभु ताडे कोई इकरार क्यों चाहता? इकरार का मतलब डर, कि ताडे जीवन च डर रहे तो तुसी उहदी आग्या नूं मन्नदे रहो। हुण मेरी चीजों इस जगह ते की पढ़िया, पलूस ने की आख्या, कहिंदा उहने अपनी बित तो बाहर दिता, ते खुदा ने उहनूं किन्ना सुपर ब्लैस किया। आमीन। लास्ट आयत पढ़ांगे, बस समाप्ति करांगा, इहदी मैं पढ़ांगा। हांजी, मैं 9 की पढ़ांगा, 12 नंबर ऐत। हुण 9 की पहले 6 पढ़ांगा। लिखिया गल का दी, जिहड़ा घट बीजदा है वह घट वड्डेगा, अते जिहड़ा खुले दिल बीजदा खुले दिल वड्डेगा। हरेक जिवें उहने अपने दिल विच तारिया तीवी करे, रांझना अथवा लचारी नाल नहीं, क्यों जो परमेश्वर खुशी ना देने वाले नूं प्यार की है। प्रभु किन्हां नूं देंदा? जिहड़े खुशी नाल देंदे, ते जिहड़े लड़के झगड़ के देंदे आ, किच किच करके देंदे आ, ते परमेश्वर कहिंदा इह दान मैनूं नहीं चाहिदा, इत्थों लै जा, गैट आउट हो जा। तो उह दान छड्ड के जाके फिर डाक्टरां दे कोल हट चल जांदा। उह ते दान दे ना देण दे कारण साडे बच्चे नशियां च लग जांदे। उह दान ही नहीं दिता ते साडे जिहड़े झगड़िआं दे लग जांदा, कचहरीआं च लग जांदा।
कल एक बंदा साढ़े घर आया आंदा 17 च साडा झगड़ा आ ते पास्टर जी हुण ही बिल्कुल फ्री हो चुके आ ते वेखो प्रभु दा आत्मा जो तो पहले दिखाउंदा दसदा वा तो काम हुंदे आ ओह कल आण के मैनूं बोले कि ओह डेरे तो जिहड़े जतिंदर हुणी कहिंदे साडे केस सारे फारग हो चुके आ आंदा खो तो उसे बंदे ने केस वापस ले लिया क्योंकि वेखो जदों हर रोज प्रेयर हुंदी आ आत्मा में छू अपने केसां नूं अपने बिजनेस नूं अपनी सेहत नूं फिर लगातार उहदे उपर विशा पढ़ो तो तुसीं जरूर फ्री हो गए तो जिन्हें गल्लां सुणी लिया ते कीता नहीं उहदे नाल कुछ नहीं हुंदा आमीन। हुण की लिखिआ कहिंदा रंज नाल नहीं लाचारी नाल नहीं प्रभु खुशी ना देण वाले नूं प्यार कीए इहदी 12 आयत लिखिआ क्यों जो इस सेवकाई दे पुन नूं केवल संतां दी थोड़ा नूं पूरा नहीं करदा सगों परमेशर दे बहुत धन्नवादां दे राही ओह वादा भी कीए जे तुसीं देंदे जे ना इह कल्ली संतां दी थोड़ नहीं पूरी हुंदी जे तुसीं देंदे ओह तुहाडा वादा भी कीए वादा कि नहीं बस फिर लोकां वल ना वेखो इह लोक ते सब तों वड्डा रोग ना ते नाप करना ते ना तुहानूं करन देना क्रेजी हो जाओ पागल हो जाओ बीजण वास्ते प्रेयर च पागल बन जाओ वचनां च पागल बन दो चर्च आउण च पागल हो जाओ लोकी तुहानूं शदाई कहण जदों बीज देना ध्यान ना दो बस वो दो चाचा वाले की गल समझ के बीज दो विधवा नूं वेख के बीज दो उहदे कोल कुछ नहीं दो टहनियां बीजियां अज भी करोड़ां ते अरबां विच उहदियां टहनियां की गल रही आ चल रही आ तुसीं जे सुपर ब्लैस होना तो फिर तुहाडा ध्यान संसार दे उपर नहीं होना चाहिए जे तुसीं सुपर आशीषित होना तो तुहाडा ध्यान जिहड़ा बाइबल च होना चाहिए भी साडे दास ने अपने कोलों नहीं कहा उहनें वचन नूं पढ़िया समझिया तो उहनें सानूं सिखाया ये करो क्योंकि पलूस पैसे ना प्यार नहीं सी करता प्रभु यीशु पैसे ना प्यार नहीं सी करता बाइबल च लिखा जो कफरनाहम दे विच गया उहदे टैक्स कराउंदे सी चुंगी लगदी सी जो प्रभु ने चुंगी पत्रस नूं बोलिया कि तेरा गुरु चुंगी देगा पत्रस ने कहा हाँ मेरा गुरु चुंगी देगा जो दस्या अगली साइड ते गया तो उस तों बाद उहने प्रभु ने कहा ए कुंडी फड़ इहनूं लै के जा इहनूं जाके समुद्र विच सुट जिहड़ी पहली मसी आएगी मेरा और अपना टैक्स दे इहनां नूं प्रभु नूं पैसे दी लोड़ पएगी नहीं क्यों बई जिते पैसे का काम होना उत्थे पैसे का जिते रोजे का उत्थे रोजे का जिते बैबल उत्थे बैबल आ ये नहीं भी आपां हुण कल्ला होर ही जोर मारी जाइए दूजा कि जोर मारना थोड़े जो थोड़ा भी तुसीं कुता दे घर च लै आउणा बैबल ते लिखा जिहड़े खुशी ना बीजदे आ जिहड़े आंसू के साथ बोते वो खुशी खुशी काटेंगे जिहड़े हंजुआ ना बीजदे चकारियां दे नाल वढ़नगे